तो देखिए, आज लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को बड़ा झटका लग गया है। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में आज शामिल हो गए। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इंदौर से पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हुए। विशाल पटेल, अर्जुन पलिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। कैलाश मिश्रा, आलोक चंदोरिया बीजेपी में शामिल। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये 8 ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर ये बीजेपी के साथ हो गए। सीएम मोहन की मौजूदगी में ज्वाइन की है इन्होंने बीजेपी। कुल 8 दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, स्टेज पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद, पूर्व सीएम भी साथ में ही मौजूद, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के, वो मंच पर मौजूद रहे। और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, जिनका नाम सामने आया है, इसके अलावा कुल मिलाकर 8 ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, इसके अलावा गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, और धार पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, किस तरीके से सियासी समीकरण बिगड़ते हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के बीजेपी में शामिल होने के बाद, वो भी हालांकि देखना होगा। संजय शुक्ला भी देखिए बीजेपी में शामिल हुए हैं, और साथ ही ये कुल मिलाकर 8 नेता हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत 8 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला ने न्यूज स्टेट से बात की। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सीधे बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सर अंगारों में नशोले हैं, क्या किस ओर इशारा चल रहा है? आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं कि कांग्रेस का संबंध अब जनता से जीवंत नहीं रह पा रहा है, न जनता से सीधा रिश्ता जुड़ पा रहा है, न कांग्रेस जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके लिए पहल कर पा रही है, न उसमें सफल हो रही है। तो इशारा काफी है। राम मंदिर को लेके भी आपने काफी कुछ कहा, ये कहा कि जो राम के नहीं हो पाए, तो ये शुरू से लेके आप कागज की भी बात कर रहे थे, तो राम मंदिर को ही लेके आप कहीं ना कहीं नाराजगी बता रहे थे? नहीं, प्रश्न एक या दो नहीं है, ये नाराजी नहीं है, ये वेदना है। वेदना तो इस, और पहले भी एक नाराजगी कब से चल रही थी कि विधानसभा चुनाव से ही आप इस तरीके से दूरी बनाए हुए थे राहुल गांधी की यात्रा? मैं विधानसभा चुनाव में प्रचार पे गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कि जो नाराजगी चल रही है, और संजय शुक्ला सहित तमाम जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने आज जो है पार्टी छोड़ दी है। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर लूंगा। शुरू तौर पर यही कहा जा रहा था कि कई जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और जो है संजय शुक्ला सहित तमाम जो बड़े लोग हैं वो जो है उन्होंने छोड़ी, और उनसे मैं बात करें। संजय जी, क्या नाराजगी चल रही थी, लंबे समय से थी क्या ये बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, मैं उस परिवार में वापस आया हूँ, परंतु कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद चलता है, वहाँ पर परिवार के अलावा किसी को दिखा नहीं आता है। आप देख रहे होंगे आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के अलावा वहाँ किसी से काम नहीं जाता। यहाँ पर छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको एक समान दिखाया जाता है, और जो भी कार्यकर्ता हो उसको सम्मान दिया जाता है, परंतु कांग्रेस सम्मान नहीं जाता, इसलिए हम सम्मान से वापस आ जाएंगे। लेकिन कई महत्वपूर्ण पदों पर आपको दी गई, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई, तो ऐसा क्या हुआ कि एक रिश्ता जो था वो पहले का वो अचानक टूट गया? इसलिए टूट गया क्योंकि जो देश में पूरी दुनिया देख रही थी, हिंदू धर्म की बात हो रही थी, जो हमारा राम मंदिर बनने जा रहा था, उस राम मंदिर को आदरणीय जो मोदी जी ने उनको नेता भेजा उसको ठुकराने के बाद हमको अपना ठेस लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में हम परिवार है हमारा, उस परिवार में थे तो उनने भी उसको करा, तो इसलिए आदरणीय पचौरी जी और हम आदरणीय सभी मेरे विधायक और साथी लोग करा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर जो बड़े जो नेता है वो कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुरेश पचौरी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि जो राम का नहीं वो उनके काम का नहीं, और लंबे समय से इसको लेकर दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। हालांकि आज बीजेपी दफ्तर में सुरेश पचौरी, संजय सहित कई ऐसे जो नेता थे जो कांग्रेस के रीति नीति नियम तय करते थे, उन्होंने आज पार्टी का साथ छोड़ा और कहा कि अब कांग्रेस मोहभंग हो गया है और कमल जो है उन्होंने हाथों में थाम लिया है। विजय आशुका, अतुल शर्मा, न्यूज़ 8, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।
अमूल यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने वर्तमान में हालत की है। वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गगन सिंह राजू खेड़ी जब विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था, योगेश शर्मा जी मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे, बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहां तक सारे मित्र हैं। तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़ तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के नमी पाना चाहिए, हमारा तो शिवाय नमा विश्वे नमा शिवाय नमा विश्वे नमा ये मंत्र चलते ही रहता है, इसी का भाग्यशाली है। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन, और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ सबका प्रयास सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान रही है आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है।